बिहार में करेक्टर सर्टिफिकेट यानी बिहार में चरित्र प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं आता है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं आपको इस वीडियो में ये बताया हूँ कि किस तरीके से आप बिहार में चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो आज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा किस तरीके से आप बिहार में चरित्र प्रमाण पत्र यानी बिहार में करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट से आपका यह पता चलता है कि आपका चाल चलन कैसा है और कैसा नहीं है। तो ये जो है अभी के टाइम में जो है अगर आप स्टूडेंट है, अगर आप जो है कहीं वैकेंसी निकला हुआ है, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको जो है वहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट बहुत ही अहम हो गया है और वहाँ पे आपको देना पड़ता है। अगर आप स्टूडेंट है, अगर आप जो है एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आपको जो है करेक्टर सर्टिफिकेट देना होता है। तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं सब के लिए है जिनको बिहार में करेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं आता है। अगर आप इस सिचुएशन में साइबर कैफे या दुकान वाले के पास जाते हैं तो वहाँ पे जो है आपको 100 से लेके 150 रुपीस का चार्ज कर देता है और वो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि करेक्टर सर्टिफिकेट से ये पता चलता है कि आपका जो है चाल चलन कैसा है। तो अगर आपको करेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपको कहीं भाग दौड़ नहीं करना है, किसी को पैसा नहीं देना है। आप ये वीडियो देखने के बाद ये अच्छी तरीके से सीख जाएंगे ये कैसे बिहार में करेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। तो आपको अगर ऑनलाइन अप्लाई करना है खुद से कहीं भाग दौड़ किए बिना, किसी को पैसा दिए बिना, तो ये वीडियो को आपको है लास्ट तक जरूर देखना होगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए तब आप सीख जाएंगे किस तरीके से जो है बिहार में करेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में आपको टाइपिंग करना पड़ेगा bhojpurpolice.bihar.gov.in। तो आप इसके ऑफिशियल जो वेबसाइट है इस पर अपन ओपन हो जाएंगे। अब भोजपुर ऐसा इकलौता जिला है जिस पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। बाकी बिहार में जो जिला सब है उसके लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप अपने ब्राउजर में इस तरह से टाइपिंग कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह से इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, नीचे देखिएगा कि हमारी सेवाएँ और महत्वपूर्ण लिंक करके बहुत सारे ऑप्शन दे रखा है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसको आप यहाँ से अपने रीड कर सकते हैं। तो ये भोजपुर का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं वीडियो में दे दिया हूँ, जिस पे लिंक पे जाने के बाद भी आप इसे पे डायरेक्ट आ सकते हैं। तो भोजपुर के पुलिस के बारे में यहाँ से आप कुछ अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके ऊपर जाएगा, यहाँ देख रहे हैं चरित्र आवेदन का ऑप्शन है, तो सिंपली आप उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही कुछ इस तरीके से ये ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है अलाउ, चलिए हम यहाँ अलाउ कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन में बोला जा रहा है, तो चलिए हम इसको यहाँ पर ओके कर देते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑनलाइन चरित्र की स्थिति और उपयोगकर्ता प्रमाण पत्र की जाँच आप या डाउनलोड भी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि ऑनलाइन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें, ठीक है। तो आप यहाँ से बहुत ही आसानी से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप बहुत ही सावधानी से भरे रहें, यहाँ पुलिस थाना जहाँ भी आपको भोजपुर के अंदर में आता है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे लिंक जिसके लिए भर रहे हैं वो आपको डाल देना है। आवेदन का नाम जो भी है वो आपको यहाँ डाल देना है। रिलेशन आपको चूज कर लेना है, पिता, पति, श्री, माता, पिता, जो भी है यहाँ पिता डाल देता है। इसके बाद आपको पिता का नाम यहाँ डालना है। टाइटल आपको यहाँ से चूज कर लेना है, सुश्री, श्रीमती, जो भी है तो यहाँ से हमको चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो ऑलरेडी आ चुका है इसका मोबाइल नंबर डाल देना है। ज़िला कौन सा है वो ज़िला आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, ठीक है। तो भोजपुर ज़िला है, यहाँ एक गांव इलाके का नाम डालना है, यहाँ डाकघर का नाम डाल देना है, पंचायत, वार्ड नंबर जो भी है। इसके बाद यहाँ पर सिंपली कैलेंडर पर जाकर जन्म तिथि आपको यहाँ से कैलेंडर से चूज कर लेना है, जन्म की तारीख इस तरीके से जन्म की तारीख आएगा, यहाँ कैलेंडर में से चूज कर लेना है। यहाँ के बोला जा रहा है कि रहने की अवधि चुने, ठीक है, मतलब आप रहने की अवधि आप यहाँ मतलब वर्ष माह चूज कर सकते हैं।
कि यहाँ पर वर्ष चूज कर लीजिए। यहाँ पर रहने की अवधि तो सिंपली यहाँ से आप जो है ईयर और मंथ आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। यहाँ वैवाहिक स्थिति पूछा जा रहा है कि क्या आपको शादीशुदा है या नहीं है, जो भी है तो अभी इसमें से विवाहित अविवाहित चूज कर सकते हैं। यहाँ पिन कोड डाल देना है, यहाँ आधार है तो वो आपको आधार यहाँ पे देना पड़ेगा। ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपकी छवि जो है, आपको जो आधार दिए है उसका जो प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, जिसको मैक्सिमम साइज देख रहे हैं 200 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए आधार की छवि, ठीक है, आधार कार्ड का अपलोड करना है। यहाँ पे देख रहे हैं हस्ताक्षर आपको यहाँ पर 40 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक हस्ताक्षर भी अपलोड कर देना है। इसको यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका बोला कि आवेदन का प्रकार का चयन करें, तो यहाँ जॉब है, प्लेसमेंट है, कॉरेस्पॉन्डिंग है, बिजनेस जो भी है, तो यहाँ पर बैंक SSP जो भी या अदर कमर्शियल पर्पस या एनी अदर है, तो जो भी है तो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। चूज करके आपको यहाँ पर टिप्पणी भी डालना पड़ेगा, ठीक है, कि आपका जो भी है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका आधार यहाँ पर आ गया है, यहाँ आपका पहचान पत्र आपको जो दस्तावेज है वो आपको पहचान पत्र, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट जो भी है, तो यहाँ से आपको बैंक स्टेटमेंट आपको जैसे है, पैन कार्ड है, पासबुक है, तो जो भी है आपको यहाँ पर जैसे पासबुक फर्स्ट पेज यहाँ पर अपलोड कर देना है। पते के लिए दस्तावेज बोला जाए तो आपको कौन सा वोटर आईडी है या जो भी है, जैसे वोटर आईडी में वोटर आईडी यहाँ सेलेक्ट कर लेता है। यहाँ बोल रहा है कि पासबुक को सेलेक्ट करने के लिए जो 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जहाँ भी पासपोर्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ बोल रहे हैं कि अपलोड आधार पर, जहाँ से आपको अपलोड आधार पर जाके अपना जो भी आधार जहाँ भी अपलोड है आपको अपलोड कर देना है। यहाँ देखिए आधार कार्ड के लिए दस्तावेज आपको बोला जाए तो जो भी है आधार कार्ड यहाँ सेलेक्ट करना है, यहाँ आधार कार्ड अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको पासबुक है और पासबुक यहाँ पर अपलोड कर देना है। वोटर आईडी यहाँ पर आ गया, वोटर आईडी को यहाँ से अपलोड कर देना है। सभी का फाइल को साइज है 200 KB है। इसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको प्रोसीड टू ओके कर देना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपका यहाँ पर पूरा प्रव्यू ओपन होकर आ चुका है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे पूरा फॉर्म को मेरा देख सकते हो। इसके बाद सिंपली यहाँ टर्म को एग्री करके मैं घोषणा करता हूँ। इसके बाद यहाँ सिंपली फाइल सबमिट कर दीजिएगा तो सबमिट हो जाएगा। मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि मैं दूसरे ज़िला से हूँ, मैं मधुबनी ज़िला से हूँ, मैं दूसरे भोजपुर ज़िला के लिए फॉर्म भर रहा हूँ, तो वो ये गलत नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं इसको फाइनल सबमिट नहीं करूँगा। यहाँ बैक जाके यहाँ अगर आप फाइनल अगर आप जो एप्लीकेशन है अगर उसमें आपको कुछ करेक्शन करना है तो यहाँ जो देख रहे हैं बैक टू फॉर्म पर जाके आप अगर कोई लग रहा है कुछ गलत हो गया है तो वहाँ से जाके इसको करेक्शन कर सकते हो। अगर लग रहा है कि नहीं सब कुछ अगर सही है अगर ठीक ठाक है तो सिंपली आपको यहाँ क्या करना है फाइनल सबमिट पर ओके कर देना है। इसे सबमिट पर ओके कीजिएगा तो आपका ये जो एप्लीकेशन है सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि उपयोगकर्ता प्रमाण पत्र की जांच करें, तो जैसे यहाँ इस पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको जिला का जो मोबाइल नंबर आप दिए थे वो आपको यहाँ नंबर चूज कर लेना है। तो यहाँ पे आप जिला का मेमो नंबर डाल दीजिएगा। आप जो भी यहाँ प्रमाण पत्र की जो भी जिसे फाइनल सबमिट कीजिएगा तो वो आपका आईडी आ जाएगा, तो वो आपको यहाँ पर आईडी डाल देना है, चरित्र प्रमाण पत्र की आईडी नंबर। इसका सिंपली यहाँ चेक पर क्लिक कीजिएगा तो जो भी आपका स्टेटस है वो प्रोग्रेस कहाँ तक गया है वो आपको यहाँ पर पूरा शो करके बता देगा। सो गाइस इसी तरीके से आप बिहार के लिए बहुत ही आसानी से आप भोजपुर ज़िले के या भोजपुर के ज़िले में जो भी अगल बगल में जो भी डिस्ट्रिक्ट है तो उस सब में या गाँव सब में जो भी है भोजपुर में तो उस सब के लिए बहुत ही आसानी से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और जिस ज़िले में बिहार के जो भी ज़िले में अगर ऑनलाइन अप्लाई नहीं होता है तो सिंपली आपको शॉप पर जाना है और वहाँ से एक जो आपका है कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले लेना है, उसके साथ आपको एक आधार कार्ड लगाना है, फ़ोटो आपको लगा देना है, ठीक है। इसके बाद कोई निवास प्रमाण पत्र है तो वो आपको लगा देना है। इसके बाद अपने जो मुखिया है उससे जो आपका अगल बगल मुखिया होगा उससे आपको सिग्नेचर करा के आपको आपको डिस्ट्रिक्ट में दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ये सब जो काम जो होता है जो ब्लॉक लेवल पर ही हो जाता है, तो सिंपली जाके आप ब्लॉक में जो अधिकारी होते हैं जो आय जाति आवासीय का काम करते हैं वहाँ पर ले जाकर सिंपली आपको जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट को सबमिट कर देना है, ठीक है। इसके बाद मैं स्टेटस बता ही दिया हूँ कि आपको जो एप्लीकेशन नंबर जो वहाँ पर दीजिएगा तो वहाँ पर एक रिसीप देगा, उसमें आईडी लिखा रहेगा, वो आईडी डाल के आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आप आईडी डाल के यहाँ पे अपना आईडी डाल के बहुत ही आसानी से मेमो नंबर उस पर लिखा रहेगा मेमो नंबर और यहाँ आईडी डाल के बहुत ही आसानी से अपना जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसको आप चेक कर सकते हैं कि मेरा प्रोग्रेस कहाँ तक गया है। सो गाइस इसी तरह बहुत ही आसानी से आप बिहार में जो ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। सो गाइस आपने जाना है कि किस तरीके से बिहार में कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं बिना कहीं भाग दौड़ किए, बिना किसी को पैसा दिए, बिना साइबर कैफे या दुकान में जाए। अगर आप इस सिचुएशन में जाते हैं
दुकान में या साइबर कैफ़े में, तो वहाँ पे जो है आपको 100 से लेके 150 रुपीस का चार्ज कर देगा और वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप एडमिशन लेने जा रहे हैं या आप कहीं वैकेंसी भरे हुए हैं, जॉब में जा रहे हैं, तो भी वहाँ पे आपको जो है करेक्टर सर्टिफिकेट देना होता है। तो आप जो है ये वीडियो देखने के बाद अच्छी तरीके से सीख गए होंगे किस तरीके से बिहार में करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आप किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।